ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 27 सितंबर 2024 कैसा बीतने वाला है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और उससे पहले पंचांग की बात करते हैं। कल अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी और ये तिथि जो है 1:20 दोपहर तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा कल पुष्य नक्षत्र में 1:20 प्रातः काल तक रहेंगे, उसके बाद ये आश्लेषा में प्रवेश करेंगे। कल शिव योग का निर्माण 11:33 रात्रि तक रहेगा और उसके बाद सिद्ध योग का निर्माण बनेगा। विष्टि या भद्रा 1:20 दोपहर तक रहेगी, उसके बाद भवकरण प्रारंभ हो जाएगा। कल के दिन राहु काल 10:48 प्रातः काल से लेकर 12:17 तक रहने वाला है। पश्चिम दिशा में यात्रा करना कल वर्जित है, दिशा सूर लगेगा। कल चंद्रमा अपने ही राशि में गोचर करेंगे, तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव होगा। प्रारंभ करते मेष लग्न से। देखिए भाग्य के दृष्टिकोण से दिन जो रहेगा ओवरऑल अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के कल के दिन मार्ग खुलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति फिर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक तनाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने अनुभव का लाभ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी प्रकार की मनोरंजन यात्रा पर भी निकल सकते हैं। 80% का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का जो शुभ रंग है वो लाल और जो शुभ अंक है वो 9 बनता है। उपाय के लिए कल के दिन भगवान भोलेनाथ की अगर आप सेवा करते हैं, उनको दूध अर्पित करते हैं, तो दिन अच्छा बीतेगा। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए मिश्रित रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साझेदारी कर सकते हैं कल के दिन। कल एक ऐसा दिन निकल के आ रहा है जिसमें आपको डेली रूटीन में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी और करना भी चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठा में कल के दिन वृद्धि होगी। किसी कार्य के सफल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। नीति और नियमों का पालन आप करेंगे। 79% का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग ग्रे और शुभ अंक 6 बनता है। उपाय के लिए कल के दिन अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, दिन अच्छा बीतेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। कल के दिन कोई पुराना विवाद समाप्त हो सकता है। परोपकार से आपके नाम में वृद्धि होगी। कल आपका दिन जो रहने वाला है मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। नौकरी में आपके अधिकार जो है थोड़े से बढ़ सकते हैं। नए पद की प्राप्ति भी संभव है। परिवार के साथ किसी काम को लेकर सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। व्यापार के विस्तार के लिए विदेश यात्रा भी आपके लिए संभव है। भाग्य का साथ मिलेगा। 82% का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ रंग है वो भूरा और शुभ अंक 3 बनता है। उपाय के लिए बेसन के लड्डू हनुमान जी को अगर आप चढ़ाते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए सकारात्मक सोच के साथ आप बाधाओं को कल के दिन निश्चित रूप से पार कर पाएंगे। माता पिता की सलाह जो है आपके भविष्य के लिए बड़ी लाभकारी होने वाली है। कार्य व्यवसाय में अगर किसी प्रकार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो उसका अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बेहतरीन बीतेगा। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा और आपको सफल भी ये कराने वाले हैं। संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको सता सकती है। परिवार के सदस्य लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ गंभीर बातचीत हो सकती है। उधार लेने से आपको बचना चाहिए। 74% का जो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग पीला और शुभ रंग 4 बनता है। उपाय के लिए पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करते हैं दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुभव का लाभ भी मिलेगा। व्यवसाय को विदेशों तक फैलाने की कोशिश भी करेंगे। वाड़ी में मधुरता बनाए रखिए। किसी परिचित व्यक्ति के कारण विवाद में कल के दिन आप फंस सकते हैं, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और घर में कोई नया मेहमान आ सकते हैं। 81% का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कल का शुभ रंग मैरून, शुभ अंक 3 बनता है। उपाय के लिए नारियल का अगर आप दान करते हैं कल के दिन तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा और धन लाभ जो रहेगा आपको मिलने वाला। नए कार्य का दायित्व भी आप पूरा कर पाइएगा। व्यापार में भी आपको लाभ होगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। पार्टनरशिप में डील फाइनल ना करें कल के दिन।
प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता मिलेगी। सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए और जंक फूड खाने से कल बचना चाहिए। 85% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग हरा और शुभ अंक 7 बनता है। कल के दिन गंगा जल को अगर घर में पूरा छिड़क देते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। तुला लग्न की बात करते हैं। दीर्घकालिक योजनाओं में कल गति मिलेगी। मनोरंजन के कार्य में आप कल शामिल हो सकते हैं। मन की इच्छा पूरी होने पर धार्मिक कार्यक्रम का आप आयोजन भी कल के दिन कर सकते हैं। अकस्मात धन लाभ हो सकता है और बिजनेस इत्यादि में भी आपको लाभ मिलेगा। कोई खुशखबरी सुनने को कल के दिन मिलेगी। स्वास्थ्य में भी आप पहले से अच्छा महसूस करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन कोई नया वाहन कल के दिन ना खरीदेगा। कोई भी नया काम आपको शुरू नहीं करना चाहिए। कल के दिन वाणी को संयमित रखिए। 88% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4 शुभ रंग केसरी बनता है। कल के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। कल का दिन अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन सामान्य रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार के नए विषय आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कार्यों में सफलता मिलेगी और नई जिम्मेदारियां भी कल के दिन मिल सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए और समय पर आपको आराम करना चाहिए। घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। संपत्ति के लिए धन का आप निवेश कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि जो है बढ़ेगी। व्यापार में लाभ की योग रहेंगे। परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो वो मतभेद खत्म होंगे। 80% का समय आपके लिए शुभ है। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग मैरून बनता है। उपाय के लिए कल गरीबों में अगर कुछ अन्न का दान कर दीजिए तो दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। व्यवसाय में सफलता के योग है लेकिन जीवन साथी से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। व्यापार में बड़ी धनराशि उधार में बिल्कुल ना दीजिए अन्यथा नुकसान हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार आपको बनाए रखना चाहिए। परिवार की परेशानियों के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य जो रहेगा थोड़ा कमजोर हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कल के दिन आपके मन में किसी प्रकार की नई योजना बन सकती है। 76% तक का दिन फिर भी अच्छा है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग गुलाबी बनता है। उपाय के लिए कल गणेश जी को लड्डुओं का अगर भोग लगाते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। कल का जो स्वास्थ्य रहेगा सामान्य रहेगा लेकिन तनाव से बचने की कोशिश करें। व्यापारिक मामलों में सावधानी बरतना चाहिए। प्रेम संबंधों में बड़े वादे करने से बचिए। वैवाहिक जीवन में धैर्य और संयम आपको बनाकर रखना चाहिए। व्यापार में नुकसान होने की संभावना है इसलिए सतर्क रहिएगा। परिवार से कोई दुखद समाचार भी कल के दिन आपको मिल सकता है लेकिन माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा और 72% का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 2 और शुभ रंग ग्रे बनता है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हैं दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आराम और सही आहार पर आपको ध्यान देना चाहिए। कार्यस्थल पर आपको नई परियोजना और अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। वित्तीय स्थिति में उतार चढ़ाव भी कल के दिन हो सकता है इसलिए खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना चाहिए। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपके लिए कल फायदेमंद रहने वाला है और रिश्तों में समझदारी बनाए रखना। 80% का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ रंग बैंगनी शुभ रंग अंक 4 बनता है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़ का दान कीजिए दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। अंतिम लग्न मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा ये समझते हैं। देखिए स्वास्थ्य में कोई खास समस्या उत्पन्न तो नहीं होगी लेकिन मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ध्यान और योग करना पड़ेगा। काम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफलता मिलेगी और नए अवसर भी कल के दिन बन सकते हैं। वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। बजट में संतुलन बनाए रखिएगा। परिवार के साथ जो आपके संबंध रहेंगे वो अच्छे रहेंगे और पुरानी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। दिन 85% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ रंग सफेद और शुभ अंक 7 बनता है। उपाय के लिए भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और पीले वस्त्र पहनिए दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल 27 सितंबर 2024 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।